सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये है स्पीति वैली का एपिसोड नंबर 6। मैं हूं अभी हिक्किम, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जैसे कि आपने एपिसोड 5 में देखा था। ये सब हमने एक्सप्लोर करा, वर्ल्ड टॉप हाईएस्ट विलेज और वर्ल्ड टॉप हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। अब हो गया हिक्किम से निकलने का टाइम। ये यहाँ पर एक छोटी सी आपको स्टॉल मिल जाएगी, और ये हमारे भैया हैं जो हमें अब आगे की तरफ लेके चलेंगे। भैया कहाँ चलेंगे अब 6th एपिसोड में, कहाँ कहाँ घुमाओगे? अब जाएंगे की ओके, और चीचम, चीचम ब्रिज है, एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। ठीक है, साथ ही आया आप दोनों का। तो चलते हैं, अब निकलते हैं हिक्किम से। और कितना टाइम और लगेगा अभी आप पूरा एक्सप्लोर होने में? अभी 2 घंटा मान के चलो, 2 घंटा मान के चलो अभी, क्योंकि ये तीनों लांगजा कॉमिक और हिक्किम ये एक ही लाइन में थे, पर की मोनेस्ट्री से अलग है, अलग है। चीचम ब्रिज अलग है और किब्बर हम विलेज भी जा सकते हैं। हाँ, तो भैया बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी एक्सप्लोर करने में, क्योंकि यहाँ के लोकल आए हैं तो बहुत हेल्प मिल रही है मेरे को। और ये भैया के दोस्त हैं, ये देखो, तो बहुत हेल्प करते हो भैया आप सब ना एक्सप्लोर करने में, बहुत हेल्प करेंगे अगर आप टैक्सी से भी आएंगे तो। धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत, ओके। और होप करता हूँ आपने स्पीति के सारे एपिसोड देख लिए होंगे, नहीं देखे तो एक बार वो चेकआउट कर लेना, सारे बहुत अमेजिंग है। बजट ट्रिप देख रहे हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रिप देख रहे हो तो मैं वही कर रहा हूँ, तो चेकआउट कर लेना, बहुत हेल्पफुल होंगे। चलो बस अब की मोनेस्ट्री पहुंच ही गए हैं, पहुंचने वाले 5-10 मिनट है, नीचे रोका है और आपको यहां से एक व्यू दूंगा। तो आपने स्पीति घाटी देखी होगी और एक फेमस पॉपुलर पिक देखी होगी, तो वो काजा की नहीं, की मोनेस्ट्री की है। ये देखो पीछे, ये है की मोनेस्ट्री। और की मोनेस्ट्री के आगे तो बहुत सारी फार्मिंग भी होती है, यहाँ पर मटर की, आलू की, जौ की खेती होती है भाई। अभी सच में मेरा मतलब हालत नहीं थी व्लॉग करने की, मेरा हेड बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है मेरे को, पर फिर भी कर रहे हैं। कोई नहीं, की मोनेस्ट्री के बाद खिब्बर गांव जाएंगे, उसके बाद फिर फाइनली काजा चलेंगे, क्योंकि कल भी 14 घंटे का लंबा रन किया था मैंने मनाली टू स्पीति। तो चलते हैं अब, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो तो देख लेना और सपोर्ट कर देना बस। जो ये आप देख रहे हैं ये है की मोनेस्ट्री, और यहाँ आके कैफ़े में मैंने लंच किया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और सिर दर्द होने लग गया था, थोड़ी देर रेस्ट भी किया और अब एक्सप्लोर करेंगे की मोनेस्ट्री को। यहाँ भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है भाई, चलेंगे वो ऊपर की तरफ। मोनेस्ट्री का जो व्यू है वो दूर से ही अच्छा आता है। इसके बाद चलेंगे खिब्बर और देन वापस काजा। एक बार देखो यहाँ के नज़ारे, फिर यह मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री जाके आ गया हूँ अंदर, और अभी वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है तो वहाँ वीडियोग्राफी नहीं कर पाया हूँ। तो अभी चलेंगे खिब्बर, और एक ब्रिज है वहाँ, वहाँ चलेंगे। और स्पीति का नज़ारा जो दूर से आता है वो आते वक्त आपको नीचे से मैं नज़ारा दूंगा, इसलिए एंड तक जुड़े रहना वीडियो से। तो चलते हैं, आपको पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, चलते हैं। तो ये है खिब्बर विलेज, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, मतलब यहाँ पर एनिमल्स घूमते रहते हैं। भैया से पूछेंगे इसके बारे में, क्योंकि भैया को थोड़ा डिटेल में पता होगा। आइए भैया, भैया किब्बर में मतलब एनिमल्स के बारे में बताइए, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स क्या घूमते रहते हैं ऐसे इधर? हाँ, ये सर्दियों में आते हैं नीचे ज़्यादा ज़्यादा। अच्छा, और वो इसी विलेज के पास आते हैं ज़्यादा? हाँ, ऊपर इसी विलेज में आ जाते हैं, खेत खेत तक आ जाता है, स्नो लेपर्ड भी आ जाता है खेत तक, और जंगली बकरियाँ भी आ जाती हैं नीचे। अच्छा अच्छा, ये मेन यही है? मेन यही है। अच्छा, तो ये भाई किब्बर विलेज, इसके बाद कहाँ चलेंगे? इसके बाद चीचम ब्रिज, चीचम ब्रिज ओनली। तो इसके बाद चलेंगे चीचम ब्रिज और फाइनली काजा। और हमारी ट्रिप मतलब पूरा हमने 6 जगह कवर करी थी पूरी,
और होप करता हूँ आपने सारे एपिसोड्स देख लिए होंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर करा है, मनाली से लेकर स्पीति की पब्लिक जर्नी, पूरा लोकल साइट सीइंग, स्पीति का सब कुछ कवर हो चुका है ना भैया, सारा कवर हो गया। तो आ रहे हो तो देख लेना, हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा आपके लिए। बस अब यहाँ पर यहाँ से निकलते हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं, लोकेशन बहुत ही प्यारी है यहाँ की, चलो चलते हैं। तो सो गाइज, अब मैं पहुंच चुका हूँ चीचम ब्रिज, और ये एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, सबसे ज़्यादा हाइट पर है। वो कितनी हाइट है इसकी? 13,596 फीट, मतलब 4,145 मीटर अब है ये। ये देखो चीचम ब्रिज, यहाँ से देखो ये नज़ारे, और इधर है चीचम गांव, ये है चीचम ब्रिज। एक बार पास होता हूँ चीचम ब्रिज से फिर दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ से बांध रखा है इसको, ये है चीचम ब्रिज। यहाँ पर कुछ बन रही है तिब्बतन प्रेयर फ्लैग्स, ज़्यादा नीचे है ये देखो, ये है चीचम ब्रिज। सच में ऐसा लग रहा है जैसे शेक हो रहा है थोड़ा, मतलब यहाँ खड़े हो रहे हैं जब और मेरे को ये नहीं लगता कि फ़ोन का कैमरा उतना कुछ कैप्चर कर पाएगा जितनी आंखें देख पाती है भाई, सच में। ये चीज़ें ब्रिज, सो अब निकलते हैं चीचम से, और हो सका तो स्पीति वैली की जो की मोनेस्ट्री थी मैं उसका वापस अच्छे से नीचे से पूरा व्यू दूंगा आपको, अगर हो सका तो, नहीं तो हम सीधा काजा मिलते हैं। अब चलते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत फोटोज़ क्लिक करूँगा और वो फोटोज़ आपको देखने को मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम पर, sagar_sharma543 मेरे इंस्टाग्राम आई डी है, नहीं फॉलो करते तो आप देख लेना एक बार, वो तो सही रहेगा। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमी धीमी कह रही है, कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना बुम 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 पारा पारा खामोश दोनों के, बुम 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 पारा पारा है मदहोश दोनों, जो गुमसुम गुमसुम है ये फिजा, जो कहती सुनती है ये निगाहें, जो गुमसुम गुमसुम है ये फिजा, जो कहती ये निगाहें। चीचम ब्रिज से मैं वापस आ चुका हूँ, और ये है की मोनेस्ट्री का नज़ारा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वापस की मोनेस्ट्री दिखाऊंगा। जो आपने स्पीति वैली की जो फेमस पिक देखी है वो यही है, और मे भी मेरे हिसाब से वो पिक ड्रोन से ली गई है। और ऊपर देखो वो HRTC बस, ये देखो HRTC बस भी जा रही है। की मोनेस्ट्री का नज़ारा,
में बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। और ये SBI का ATM है, तो आपको यहाँ पर कैश निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने भी विड्रॉल किया है यहाँ से। फाइनली काजा पहुँच, सो अराउंड हमें 5-6 घंटे लगे और हमने पूरी जो भी काजा की स्पीति वैली की साइट्स थी सारी कवर करी टैक्सी के अंदर। और बेस्ट रहेगा कि आप टैक्सी से करोगे, अपना व्हीकल हो बहुत बेस्ट है। जैसे हम गलती कर रहे थे पहले हिचहाइकिंग की, तो वो मत करना क्योंकि फंस जाओगे बीच में, कोई मतलब नहीं है, सब कुछ कवर भी नहीं हो पाएगा। और होप करता हूँ आपने सारे एपिसोड देख लिए होंगे, मनाली टू स्पीति वैली मैंने सब कुछ कवर करा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे व्लॉग्स देख सकते हो, पर मैंने फूड का और स्टे का शायद कवर नहीं करा है। आज मे बी मैं वो कवर करूँ और नेक्स्ट व्लॉग वो आपको देखने को मिले। सो एक बढ़िया सा कमेंट ज़रूर कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी है इस वाले ट्रिप में, वो भी सोलो करा है मैंने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सब कुछ कवर करा है। कुछ भी क्वेश्चन हो sagar_sharma543 मेरे इंस्टाग्राम आईडी, आप मेरे को आके DM कर सकते हो, वहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, आगे अमेजिंग वीडियो आती रहेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।